नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे S-400 सिस्टम के बारे में, स्पेशली उस समय जब इंडिया इसको खरीदने वाला है और उसके पड़ोसी देश चाइना के पास ऑलरेडी S-400 सिस्टम है। तो दोस्तों बात को शुरू करते हैं। बहुत से इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट का दावा है कि S-400 सिस्टम अभी भी पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है, यानी कि अभी भी इस पे डिबेट हो सकती है इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। और स्पेशली जब इंडिया इसको खरीद रहा है और उसके पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान है और उनकी अपनी एक सिक्योरिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने S-400 सिस्टम रशिया के साथ में एग्रीमेंट किया था 5 इसकी बैटरी खरीदने के लिए, और तभी से देश में एक डिबेट शुरू हो गई है इसके नुकसान और फायदों के बारे में। और दोस्तों बहुत कम बात होती है कि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे, ज्यादातर बात होती है इंडिया के लॉस के बारे में। क्योंकि दोस्तों अगर S-400 सिस्टम खरीदेगा तो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट हमारे पे सैंक्शन लगा दे, और अगर सैंक्शन लगती है तो इसके हमें बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या जियोपॉलिटिकल हो। और दोस्तों ये भी बात मानी जाती है कि S-400 सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐसा है नहीं है। दोस्तों एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रिसर्च फेलो हैं और जिनकी स्पेशलाइजेशन है कॉम्बैट एयर पावर और टेक्नोलॉजी के अंदर, उनका मानना है कि S-400 सिस्टम को चकमा दिया जा सकता है। और स्पेशली इंडिया को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी पड़ोसी देश चाइना के पास भी ऐसा ही सिस्टम है। और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि चाइना को इसे खरीदे हुए टाइम हो गया है, तो चाइना को इस सिस्टम की काफी ज्यादा डेप्थ में नॉलेज हो चुकी है और इसके अलावा वह इसे कम्प्लीटली समझता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इंडिया बहुत लंबे समय तक चाइना के अगेंस्ट डेटरेंट नहीं कर पाएगा, इस सिस्टम को लेने के बाद विरोध नहीं कर पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि S-400 सिस्टम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दो फायदे भी देगा, इसके दो बड़े फीचर्स भी हैं। उन्होंने बताया पहले तो इसके अंदर की कई तरह के रडार लगे हुए हैं जिससे इंडिया को अपने एयर स्पेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरा, इसके रडार एक कमांड सिस्टम के साथ में आते हैं, जिसका मतलब होगा कि इंडिया अपने सरफेस टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है इसे समझने के बाद। और दोस्तों इसका दूसरा फीचर उन्होंने बताया कि इसके अंदर कई तरह की रेंज की मिसाइल्स लगी हुई हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी वजह से यह कई तरह के खतरों से निपट सकता है, जैसे कि फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और इसके अलावा कुछ तरह की बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट भी ये काम कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसको ओवररेटेड करके भी बताया गया है, क्योंकि अगर इसके ऊपर कई तरह की मिसाइलें एक साथ में आए तो इसको चकमा दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक अटैक हो तो भी इसको चकमा दिया जा सकता है। दूसरा, दोस्तों चाइना ने भी S-400 सिस्टम की 4 से 6 बैटरी रशिया से खरीदी है 2014 में $3 बिलियन में, और उसको ये 2018 में ही डिलीवर हो चुका है। और एक और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि S-400 सिस्टम सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान की, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जिनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है, इंडिया को जो S-400 सिस्टम मिलेगा वो मॉडिफाइड है और उसके अंदर क्या टेक्निकल डिटेल है ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और S-400 सिस्टम के कई एक्सपोर्ट वर्जन है, इसलिए हो सकता है कि इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा भी हो। दोस्तों ये भी क्लियर नहीं है कि इसके अंदर जो इंटरसेप्टर लगा होगा उसकी रेंज क्या है, लेकिन ये जरूर है कि इसकी इतनी कैपेबिलिटी जरूर है, अगर इसको पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक लगाया जाता है तो ये उसकी पूरी टेरिटरी के अंदर एयर स्पेस को कवर कर सकता है। हालांकि पूरी बॉर्डर लाइन के अगेंस्ट अगर कोई मिसाइल आती है तो ये सभी को इंटरसेप्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एरिया के बारे में जानकारी जरूर दे सकता है। दोस्तों S-400 सिस्टम इस तरह से डिजाइंड किया जाता है कि इसे अगर एक लोकेशन पे लगाया जाए तो एक बड़े एरिया को डिफेंड कर सकता है। तो डिपेंड करेगा कि जब S-400 सिस्टम इंडिया में आएगा तो इंडिया का प्लान क्या रहता है, वह इसे कैसे और कहां पर डिप्लॉय करता है और किन किन एरिए को कवर करता है, इस चीज पे सारी चीज भी डिपेंड रहेगी। दोस्तों हमने $5.4 बिलियन यानी कि 39,000 करोड़ में 2018 अक्टूबर के अंदर 5 S-400 सिस्टम की रशिया के साथ में डील की थी, और उसके बाद से ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो गई। स्पेशली हमने उनके काटसा एक्ट पे साइन किए हुए हैं और तब से हम पे सैंक्शन लगने का खतरा है, और उसके बाद से ही इंडिया इससे बचने के लिए तरीके ढूंढ रहा है। और ये भी सुना है कि इंडिया रशिया के साथ एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है जिससे कि यह उससे बचा जा सकते। और दोस्तों ये भी है, काटसा के अंदर एक सेक्शन होता है 231
जिसके तहत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को एक अथॉरिटी मिलती है कि वो कह सकता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है और ये केस बाय केस बेसिस पे होता है, और अगर कोई डील जो है वो $15 मिलियन से अबोव की है तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के घेरे में आ सकती है, जिसका मतलब ये है कि हमें उससे वेवर मिल सकता है और इसी के लिए इंडिया प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, इससे पहले तुर्की पर भी यही सैंक्शन लगाने की धमकी दी जाती थी, क्योंकि वह भी S-400 सिस्टम को खरीदना चाहता था और अमेरिका ने उसे धमकी दी थी कि वह उसे F-35 डिलीवर नहीं करेगा और जो कुछ पार्ट वह F-35 के बनाता है उससे उसे हटा देगा, और तुर्की नहीं माना तो अमेरिका ने बदले में उस पर सैंक्शन लगा दी और अभी उसे F-35 की डिलीवरी देने से मना कर दिया है। हालांकि अभी उसके पास पूरा S-400 सिस्टम नहीं आया है, फिर भी अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया। और इससे पहले ट्रंप गवर्नमेंट ने तुर्की को एक ऑफर भी दिया था कि वह उनका थार्ड सिस्टम खरीद ले या फिर पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी सिस्टम खरीद ले, लेकिन तुर्की ने ऐसा नहीं किया। और वही चीज अब इंडिया के साथ भी है, हमें भी वही चीज ऑफर हो चुकी है और हम उसके लिए मना कर चुके हैं। तो भविष्य में देखा जाएगा कि इसके बाद में क्या होता है और हम पे सैंक्शन लगती हैं या नहीं और S-400 सिस्टम कैसा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।